नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के समय में बिना धन के व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी काम संभव नहीं होता है। धन के बिना दोस्तों ना तो व्यक्ति कुछ कर पाता है और ना ही समाज के अंदर उसका नाम और मान सम्मान होता है और ना ही उसे उसके जीवन के अंदर कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दर्द या देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आप माँ लक्ष्मी के इन नियमों को मानते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर धन की कभी भी कमी नहीं होती और पूरे साल भर आपके जीवन के अंदर धन बरसता है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं माँ लक्ष्मी के उन नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर घर के अंदर हर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है। भगवान की सुबह और संध्या काल या दोनों में से एक काल के समय दोस्तों आराधना बिल्कुल भी करते होंगे। इसी प्रकार दोस्तों सप्ताह में एक दिन शुक्रवार या किसी भी दिन माता लक्ष्मी को कुछ मीठे का भोग अपने घर के अंदर बनाकर जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि आप हलवा, पूरी या खीर या किसी प्रकार के मीठी मिठाई का घर के अंदर भोग बनाएं और उसके बाद परिवार के सारे सदस्यों के मध्य इस मीठे भोग को बांट दें। अपने आसपास के अंदर भी इस प्रसाद को बांटने से माँ लक्ष्मी की आपको दूर दूर से कृपा दिखाई देती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से आपके जीवन से कंगाली कोसों दूर चला जाता है। इस तरह दोस्तों आप अपने घर के अंदर जब भी पूजा पाठ करें इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पूजा पाठ करते समय दीपक आप भगवान के पूजा में जलाते हैं या तो एक जलाएं या तीन जलाएं या पांच जलाएं या सात जलाएं। जिन संख्या के अंदर दो का भाग जाता हो उस संख्या के अंदर आपको दीपक भूलकर भी नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा आपको अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है और ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप कर्ज मुक्ति से समस्या के परेशान चल रहे हैं, अपने किसी प्रकार का पैसा अपना डूब चुका था, उसके बाद आपने कर्ज लिया और वह भी पैसा कहीं चला गया, आपकी जीवन स्थिति मुश्किल में आ गई, आप चाहते हैं कि कर्ज तो आपका चौतर जाए और साथ ही साथ आपकी अलमारी के अंदर भी धन बना रहे, तो दोस्तों प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी के समक्ष बैठ कर हनुमान चालीसा का जाप करें और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, आप देखेंगे ये देखते ही देखते आपका कर्ज आपसे कोसों दूर चला जाता है और धन की भंडार भरने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा से कोई भी आपका इस मामले के अंदर बाल भी बाकात नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको आपकी कुंडली के अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार से आपके काम नहीं बनते हैं, लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और ये आपको किसी प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, तब आप एक काम कीजिए कि घर के अंदर जो रोटी बनाते हैं उस रोटी के अंदर आप थोड़े से काले तिल डाल दें और थोड़ी सी पीसकर काली उड़द की दाल डाल दें और उसके बाद उसकी रोटी बनाए, क्योंकि दोस्तों इसे शनि दोष समाप्त होते हैं और भगवान शनिदेव के समक्ष आशीर्वाद मिलता है। दूध के साथ आटे को बनाकर उसकी रोटियां बनाएं और उसके बाद घर परिवार के सारे सदस्य और जिसके ऊपर विशेष तौर से शनि की त्रिड़ी दृष्टि चल रही है उसके ऊपर से 7 बार उस रोटी को ओसारें और ओसारने के बाद गरीब बच्चों और काले कुत्ते को खिला दे। दोस्तों, आप देखेंगे कि देखते ही देखते भगवान शनिदेव के तेरी दृष्टि सकारात्मकता में बदल जाती है और उनका प्रभाव आपके जीवन के अंदर दिखाई देने लगता है और किसी न किसी रूप से आपको फायदा प्राप्त होता है बस मात्र इस उपाय को करने से। दोस्तों, इसी के साथ ही अगर गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है,
लाख प्रयत्न करने के बाद भी धन की हामी का कामना सामना करना पड़ रहा है। भगवान शनिदेव की सकारात्मकता आपके जीवन के अंदर चाहते हैं। तब आपको एक काम करना है कि आप एक चौमुखी दीपक बनाएं, शनिवार के दिन आटे का चौमुखा दीपक बनाएं या घर के अंदर जो मिट्टी का चौमुखा दीपक होता है उसके अंदर चार बाती जलाएं और उसके बाद शनिवार के दिन आप अपने आस पास के पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर जाकर उसके अंदर सरसों का तेल और कुछ काले तिल के दाने डालकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर ओम सह सनिचराय नमः, ओम सह सनिचराय नमः का इस प्रकार का मंत्र जाप करते हुए आप दीपक को जला दे और भगवान शनिदेव से नकारात्मकता दूर करने की और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगते हुए आप अपने घर की तरफ आ जाएं और आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन से कंगाली कोसों दूर चला जाता है, धन और दिनी दुनी और रात चौनी गति से बढ़ने लगता है और मां लक्ष्मी का समुचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह भगवान विष्णु की कृपा जिसके अंदर के अंदर होता है वहाँ पर अपने आप ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है और कुबेर देवता उस घर के अंदर वास करते हैं। तब आप भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए क्या करें कि एकादशी के दिन दोस्तों चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन चावल का दान देने की विशेष परम्परा रहा है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को माँ के गंगे अर्पित करते हुए और आप 1.25 किलो चावल लें और उन्हें आप जितने परिवार के सदस्य हैं उनके अनुरूप अलग अलग पोटली के अंदर बांध दें, उसके साथ 11 रुपये डाल दें और साथ ही साथ हल्दी की एक गांठ डाल दें और हल्दी की एक गांठ डालने के साथ ही उसके अंदर थोड़े से आप थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और एक तो अच्छी बात है कोई बात नहीं इसके अंदर एक काला धागा भी डाल दें ताकि सचावल और आपके जीवन के अंदर आर्थिक समस्याओं को दूर करता है। रुपए का दान एकादशी के दिन करने से वह धन आपका सहस्त्र गुना होकर वापस आता है और काला धागा आपके जीवन के अंदर तमाम बुराइयों से आपकी रक्षा करता है, बुराइयों को आपके पास नहीं आने देता है। तो दोस्तों आपने जो इसके अंदर हल्दी डाली है वह भगवान विष्णु को आकर्षित करता है। इन चीज़ों की पोटली के बाद आपके आसपास 11 जो मंदिर होते हैं देवी लक्ष्मी के मंदिर हो को आप भगवान विष्णु के मंदिर हो या भगवान विष्णु के अवतारों के मंदिर हो वहां पर जाकर आप इस पोटली को 11, 81 अमावस्या इन दिनों के बीच के दौरान पूर्णिमा के दिन रख दीजिए। दोस्तों जैसे ही मंदिर के अंदर किसी भी एक मंदिर के अंदर वह पोटली को खोलता है उसी समय से आपकी बंद किस्मत खुल जाती है, आपके जीवन के अंदर जो दुष्ट थे वह चले जाते हैं और आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। इसी अनुरूप दोस्तों आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, माँ लक्ष्मी का नियम यह भी कहता है कि अगर आप सुबह के समय झाड़ू लगा लेते हैं जब सूर्य उदय होता है उस समय झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद आप अपने घर के बाकी काम शुरुआत बाद में करते हैं और तो भी ये माता लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी की प्राण बसते हैं और अगर आप इस विधि के साथ झाड़ू लगाते हैं तो कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर पाता, शत्रु के ऊपर विजय की प्राप्ति हो जाती है और किसी न किसी तौर से आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लगता है। इस तरह दोस्तों घर के अंदर माँ लक्ष्मी के रूप मनी प्लांट का पौधा, घर के अंदर तुलसी का पौधा, घर के अंदर केले का पौधा, घर के अंदर समी का पौधा, घर के अंदर जिससे बाहर की तरफ आपका जो पौधा और बेल का पौधा धतूरे का पौधा होता है उस घर के जीवन के अंदर कभी भी बुराइयां स्पर्श नहीं कर पाता, उस व्यक्ति के जीवन से बुराइयां कोसों दूर रहता है और उसे सुबह के अंदर फायदा ही फायदा देखने को मिलता रहता है। दोस्तों उम्मीद वीडियो तो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नमस्ते वाली करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।